पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, निजाम में जिंदगी दरम बरम। मोटरवे पर गाड़ियों का पहिया रुक गया, परवासें ले ट्रेनों की रफ्तार भी मदम, मुसाफिर इंतजार के सूली पर लट गए। जीटी रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार, लाहौर में धुंध के गहरे बादल, रिंग रोड को बंद कर दिया गया। गुजरावाला, वजीराबाद और डस्का में रास्ते गुम, हाफिजाबाद, पिंडी भटिया, कामोकी में भी धुंध की चादर तन गई। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, स्मोक के साथ धुंध भी मुश्किलात पैदा करने लगी। महकमे मौसमियात ने पंजाब में मजीद ठंड बढ़ने की पेशगोई कर दी। स्कूल एजुकेशन का छुट्टियां एक हफ्ता मजीद बढ़ाने पर गौर, वालिदैन ने भी छुट्टियां बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। हतमी फैसला निगरान हुकूमत का होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद को बतौर अगला वजीर आजम पेश कर दिया। लाहौर में दमादम मस्त कलंदर का ऐलान, शहीद बेनजीर की बरसी पर तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब से पीपल्स पार्टी को आउट करने की साजिश हुई, 8 फरवरी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। चेयरमैन, पीपल्स पार्टी ने आवाम से 10 वादे भी कर लिए, 5 साल में तनहाएं दुगनी कर देंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त तालीम देंगे, मुफ्त इलाज कराएंगे, गरीबों को 30 लाख घर बनाकर देंगे, किसानों को हारी और मजदूरों को बेनजीर मजदूर कार्ड मिलेगा। अवाम थोड़ा सब्र करें, पाकिस्तान को हम बनाएंगे, हमारा मकसद लोगों को उनके हुकूक दिलाना है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी को जुबान दी और मुकर गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब, कहा कि मसला किसी से नहीं, इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच से है। भुट्टो रेफरेंस की समाज शुरू होने पर कह सकता हूं कि कर्ज उतार दिया। बेहतर कल बनाए मिलकर, मुस्लिम लीग नून ने मंशूर के लिए आवाम से तजावीज मांग ली। शहबाज शरीफ के अंदरून और बिरूने मुल्क पाकिस्तानियों को दावत, मरियम नवाज कहती हैं, आवाम से ना टूटने वाला ताल्लुक ही हमारी ताकत है, इज्तिमाई दानिश को हकीकी बनाने के लिए तजावीज दें। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम मुंतखब कराएंगे, मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर जहां से रुका वहीं से दोबारा शुरू होगा, महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, साबिक वफाकी वजीर मखदूम फैसल सवालिया हयात नून लीग में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ ने खुश आमदीद कहा, बोले फैसल सवालिया हयात की शमूलियत से पार्टी मजबूत होगी। बानी पीटीआई की उम्मीदों पर पानी फिर गया, सुप्रीम कोर्ट ने नाहली खत्म करने की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तेदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने रिमार्क दिए, नाहली से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती, उसकी कोई अदालती नजीर नहीं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, 2 रुकनी बेंच उबूरी रिलीफ भी नहीं दे सकता, कम अज कम 3 रुकनी बेंच को ये केस सुनना चाहिए। जमानत के बावजूद शाह महमूद कुरैशी रिहा ना हो सके, पंजाब पुलिस ने पीटीआई रहनुमा को 9 मई के केस में गिरफ्तार कर लिया। एहलकारों को देखते ही शाह महमूद कुरैशी दुहाइयां देने लगे, कहा दोबारा गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है, कौम की खिदमत करने पर सजा दी जा रही है। उस्मान डार और उनकी वालिदा के इल्जाम, ख्वाजा आसिफ ने 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। उस्मान डार की वालिदा का मौकिफ, उस्मान डार ने कहा कि हम तो चाहते हैं हमें कोई फोरम मुयसर हो जहां बात कर सके। PK91 कोहार से इरफानुल्लाह की बतौर रिटर्निंग ऑफिसर तायुनाती की मौतली, इलेक्शन कमीशन का पिशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक यह हलका तकनीकी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर के बगैर है, इन हालात में इलेक्शन कराना मुश्किल होता जा रहा है। इजलास में पीटीआई को इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट के मामले पर भी गौर किया गया। लाहौर के बड़े अस्पताल गंगाराम का हाल बेहाल, अद्वियात बाहर से मंगवाई जाती हैं, ऑपरेशन के भी पैसे लिए जाते हैं। मरीजों की वजीर आला को शिकायत, मोहसिन अकबर ने एमएस को झाड़ पिला दी, मरीज को ऑपरेशन के पैसे वापस करने का हुक्म, तहकीकात के लिए इंक्वायरी लगा दी। अस्पताल में रिलीज तरीन वॉशरूम, गंदगी के ढेर, सफाई के नाकिस इंतजाम, एमएस के लिए आखिरी वार्निंग।
मोहसिन स्पीड की डबल स्पीड, लाहौर के सर्विसेज अस्पताल पहुंचे, तामीराती कामों पर ब्रीफिंग, एमडी वासा को निकासी आप का निजाम बदलने का हुक्म, ड्रेन्स के लिए नए पाइप बिछाने की हिदायत, पानी की फौरी निकासी के लिए पंपिंग स्टेशन बनेगा, मोहसिन नकवी की मजदूरों से मुलाकात, रात 2 बजे तक काम करने वालों की तारीफ, शाबाश दी। पाकिस्तान का जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लैस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, आईएसपीआर के मुताबिक फतह 2 मिसाइल 400 किलोमीटर की हद तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। कराची में ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ निजी बैंक का 41 करोड़ रुपए का फ्रॉड, उम्र भर की जमा पूंजी लूट जाने पर शहरी ने इंसाफ की अपील कर दी। लूट जाने पर बैंक इंतजामिया से राबता किया लेकिन कोई तामुन नहीं किया गया, मुतासरा खातून का इल्जाम, एफआईए ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, निजाम में जिंदगी दरम बरम, मोटरवे पर गाड़ियों का पहिया रुक गया, परवासें ले ट्रेनों की रफ्तार भी मदम, मुसाफिर इंतजार के सूली पर लट गए, जीटी रोड पर ट्रैफिक सुस्तरवी का शिकार, लाहौर में धुंध के गहरे बादल, रिंग रोड को बंद कर दिया गया, गुजरावाला, वजीराबाद और डस्का में रास्ते गुम, हाफिजाबाद, पिंडी भटिया, कामोकी में भी धुंध की चादर तन गई। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, स्मोक के साथ धुंध भी मुश्किलात पैदा करने लगी, महकमे मौसमियात ने पंजाब में मजीद ठंड बढ़ने की पेशगोई कर दी, स्कूल एजुकेशन का छुट्टियां 1 हफ्ता मजीद बढ़ाने पर गौर, वालिदैन ने भी छुट्टियां बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया, हतमी फैसला निगरान हुकूमत का होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद को बतौर अगला वजीर आजम पेश कर दिया, लाहौर में दमादम मस्त कलंदर का ऐलान, शहीद बेनजीर की बरसी पर तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब से पीपल्स पार्टी को आउट करने की साजिश हुई, 8 फरवरी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आवाम से 10 वादे भी कर लिए, 5 साल में तनहाएं दुगनी कर देंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त तालीम देंगे, मुफ्त इलाज कराएंगे, गरीबों को 30 लाख घर बनाकर देंगे, किसानों को हारी और मजदूरों को बेनजीर मजदूर कार्ड मिलेगा। अपनी छत का ख्वाब भी पूरा करेगा मोहसिन पंजाब, छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर, बरसों से रुके मंसूबों ने भी स्पीड पकड़ ली, रायगढ़ में कम कीमत हाउसिंग स्कीम के तहत 245 घर तैयार, 15 जनवरी को चौबियां मुलाजमीन के हाथों में होंगी, वजीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे का जायजा लिया, सेवेज और ड्रेन्स का काम जल्द बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म। नए सदर हॉकी फेडरेशन तारिक हुसैन बुगटी का दबंग ऐलान, पीएचएफ के 2008 से 2022 तक के जमादारान से तहकीकात का फैसला, साबिक सेक्रेटरी पीएचएफ आसिफ बाजवा, शहबाज सीनियर, राणा मुजाहिद, कासिम जया, अख्तर रसूल से तहकीकात होंगी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर के गिर्द भी घेरा तंग करने का फैसला।